दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशन चैनल शिखर प्रजापति पर। फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो है फ्रेंड्स प्यार, मोहब्बत, लव। फ्रेंड्स, अगर आपको प्यार हो गया तो आप लगातार आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अपने काम से प्यार हो गया तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अपने जॉब से प्यार हो गया, आपको अपने प्रोफेशन से प्यार हो गया तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लोगों के साथ प्यार हो गया तो फ्रेंड्स आपके कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉन्डिंग, आपके रिलेशंस आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने देश से प्यार हो गया तो आप अपने देश को बढ़ा देंगे। अगर आपको हर किसी चीज़ से प्यार हो गया तो आप जिंदगी में लगातार लगातार खुश रहने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है फ्रेंड्स, वो है लव, प्यार। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की लेडी लता खारे, जिनकी उम्र 65 साल की थी, उनको अपने हस्बैंड से बहुत प्यार था, हस्बैंड को अपनी वाइफ से बहुत प्यार था। जिंदगी भर उन्होंने खेती करी, खेती करके उन्होंने कुछ पैसा कमाया और जितना पैसा उन्होंने कमाया अपनी तीन बेटियों की शादी में उन्होंने खर्च कर दिया। बुढ़ापे में दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े आराम से नॉर्मल जीवन जीते थे, बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। कुछ दिनों बाद जब वो लोग अपने काम से घर लौट रहे थे तो हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि आज मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। वाइफ पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब उनका चेकअप हुआ तो पता चला कि उनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है और उनका इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं होगा, उनको एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। लता खारे को बड़ी टेंशन हो गई क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक बड़े हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड को इलाज के लिए जा सके। वो बहुत रोई, रोते रोते उन्होंने अपने हस्बैंड को बात बताई कि मेरे पास इतना पैसा नहीं। उन्होंने हिम्मत की और हिम्मत करके अपने आस पड़ोस में और अपने कुछ रिलेटिव से पैसा मांगा उधार, और पैसे लेकर वो शहर के हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड को इलाज करवाने के लिए लेके गई। जब हॉस्पिटल पहुंची तो हॉस्पिटल के लोगों ने उनको नजरअंदाज कर दिया। हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि डॉक्टर कहां है, वेयर इज द डॉक्टर। जब डॉक्टर आए, डॉक्टर ने उनका चेकअप करा। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको इतनी सारी मेडिसिन लानी होगी, उनको कुछ दिन हॉस्पिटल में रोकना होगा और इतने इन्वेस्टिगेशन और इतने टेस्ट और करने होंगे और उसके लिए इतना खर्च होगा। लता खारे उसी समय चेयर पर गिर पड़ी क्योंकि उनके पास पैसा पूरा खत्म हो चुका था। जो हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे पैसा देना था उसमें उनका पूरा पैसा खत्म हो गया। बहुत टेंशन में आ गई। हस्बैंड और वाइफ बड़े दुखी वापस अपने गांव की तरफ जाने लगे। जो गांव की बस में बैठने वाले थे तो वहीं बस स्टैंड पर एक समोसे वाले की छोटी सी दुकान थी, वहां पर उन्होंने समोसे लिए। समोसे वाले ने खुशी खुशी वो समोसे अखबार में पैक करके उनको दिए। जब वो लोग बस में जाकर बैठे और लता खारे ने जब वो समोसा खाने के लिए पेपर ओपन करा तो उसी पेपर में उनको एक आर्टिकल दिखा, मैराथन रेस, प्राइज में लाखों रुपए। लता खारे ने सोचा कि मैं इस रेस में पार्टिसिपेट करूंगी। अगले दिन वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंची। 65 साल की लेडी उस रेस में पार्टिसिपेट करने पहुंची। आयोजकों ने जब देखा कि ये किस लिए आई हैं, आयोजकों ने पूछा कि आप लोग आप यहां पर किस लिए। उन्होंने बोला मुझे इस रेस में पार्टिसिपेट करना है, मुझे इस दौड़ में हिस्सा लेना है। आयोजकों ने उनको मना कर दिया, खारिज कर दिया कि 65 साल की लेडीज को हम नहीं ले सकते। उन्होंने अपनी कंडीशन बताई कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसी प्रॉब्लम, उनका इलाज करवाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। उन्होंने बोला कि हम ये नहीं चाहते कि उनकी जान बचाने के लिए आपकी जान चले जाए। उन्होंने उनको बहुत कन्विंस करा और आखिरकार उन्होंने आयोजकों को, स्पॉन्सर्स को मना लिया और वो भी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए खड़ी हो गई। लता खारे दोस्तों, जिनकी एज 65 साल की, 65 ईयर्स की लेडी जब मैदान में खड़ी हुई दूसरे धावकों के साथ दौड़ने के लिए, तो बाकी जितने लोग, जितने धावक वहां पे खड़े थे, रनर्स वहां खड़े थे, वो सब लोग उनको देखकर हंसने लगे। कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि हो सकता है कि शायद ये लेडीज अपने बेटे या बेटी के साथ आई है जो कॉम्पिटिशन यहां कर रहे हैं। जब दर्शकों ने उनको देखा कि 65 साल की लेडीज यहां पर दौड़ने के लिए खड़ी है, वो लोग भी हंसने लगे। लेकिन लता खारे के दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मुझे अपने प्यार को, अपने हस्बैंड को बचाना है। उनके दिमाग में और कुछ नहीं था। कोई आलोचना को जितने लोग कर रहे थे, उनका डायरेक्शन, उनका फोकस वहां नहीं था। उनका फोकस सिर्फ एक जगह था कि फिनिश लाइन कहां पर है, मुझे इस फिनिश लाइन को सबसे पहले पार करना है। अगर मैं जीती और मुझे जीतना ही जीतना, मैं जीतूंगी ही जीतूंगी, क्योंकि जब मैं जीतूंगी तो मुझे प्राइज में पैसा मिलेगा। वो पैसा मिलकर लेकर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, अपने हस्बैंड का इलाज करवाने और उनकी जान बचाऊंगी। फ्रेंड्स, वो रेस स्टार्ट हुई और लोग हंसते रहे, लेकिन वो
महाराष्ट्रियन लेडी साड़ी बांध के दौड़ना शुरू करा और लगातार दौड़ती रही दौड़ती रही दौड़ती रही दौड़ती रही। और एट लास्ट फ्रेंड्स इस लेडी के दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य था कि मुझे जीतना है, मुझे अपने हस्बैंड की जान बचानी। तो उसको क्या रोक लेते, क्या रोक लेते छोटे छोटे रेस, क्या रोक लेते छोटे छोटे पत्थर और चट्टाने। और लगातार दौड़ती रही दौड़ती रही दौड़ती रही दौड़ती रही, एक ऐसी लेडी ने दौड़ना शुरू करा जिन्होंने आज तक कभी किसी रेस में पार्टिसिपेट नहीं करा था। 65 साल की लेडी लगातार दौड़ती रही और एट लास्ट विजेता वही बनी फ्रेंड्स, विनर वही बनी। बाकी जितने दर्शक खड़े थे साथ साथ, दर्शकों के साथ साथ जितने रनर्स थे, सब लोगों ने उनके लिए बहुत अच्छी वाली क्लैपिंग करी, उनको सम्मानित किया गया, उनको पैसे दिए गए, प्राइज मनी उनको दिया। फ्रेंड्स वहां पर उनका पूरा सम्मान हो रहा था, वो वहां की एक लोकल हीरो बन चुकी थी, लेकिन उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस था सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की जान बचाना। वो उस प्राइज मनी को लेकर भागी हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को पैसा दिया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने उनका ऑपरेशन करा उनके हस्बैंड का, उनका हस्बैंड सही हो गए। फ्रेंड्स इसलिए कहते हैं कि फ्रेंड्स दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो आपको इंस्पिरेशन देगी, जो आपको आगे बढ़ाएगी, वो है फ्रेंड्स प्यार। आप प्यार करना शुरू कर दीजिए, आप आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा मोटिवेशनल इंस्पिरेशन वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर करें। फ्रेंड्स हमारे इस मोटिवेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इसी तरीके मोटिवेशनल वीडियो लगातार 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 मिलते रहे। धन्यवाद।